अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, दिस इज मोहम्मद तारिक। मेरा नाम, आई एम ऑडिबल। आप सबको मेरी आवाज़ सही तरह आ रही है? जी तारिक साहब, आपकी आवाज जो यस बिल्कुल सर। क्लियर है, स्क्रीन भी शेयर्ड है। ओके, थैंक यू सो मच। आज हमें जो टॉपिक दिया गया है नान साहब की तरफ से, वो है प्रोविंशियल सेसेस ऑन सर्विसेस। ये कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द 1 से 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाए, और इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो इंशाल्लाह मैं आपसे थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ कि हम आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ मैं अपना। मेरे तकरीबन 20 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने KPMG, तासिर हादी, BDO इब्राहिम कंपनी, डिलाइट के साथ भी काम किया, और इंडस्ट्री का भी मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैं शान फूड्स और एक गनीन तैयब है, कराची बेस्ड कंपनी, उनके साथ भी मैंने काम किया है। तो कुल मिला के मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है। आजकल मैं अपनी कंसल्टेंसी चला रहा हूँ, लिंटल कंसल्टेंसी। तो जैसे इमरान साहब ने मुझे ब्रीफ किया था कि आप स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम फोकस तैयारी करनी है और आपके पेपर करीब हैं, तो इस हवाले से जो आपके CA के पेपर्स हैं उसमें मैं जो समझता हूँ कि आपको दो तरह की स्टडी करनी पड़ेगी। एक न्यूमेरिकल इम्प्लीकेशंस हैं, न्यूमेरिकल इम्प्लीकेशंस इस हवाले से होंगी कि फॉर एग्जाम्पल आप फेडरल सेल्स टैक्स जो गुड्स पे होता है तो उसके इनपुट टैक्स के हवाले से आपको थोड़ा सा सर्विस का आइडिया होना चाहिए कि सर्विस लॉ क्या है, कैसे उसका ऑपरेशन चलता है, ताकि उसकी जो न्यूमेरिकल करें आप तो उसकी एडजस्टमेंट कैसे मिलती है। और दूसरा आस्पेक्ट न्यूमेरिकल में ये भी हो सकता है कि आप सर्विस प्रोवाइडर हैं किसी प्रोविंस के और आप सर्विस देते हैं, तो आपको क्या कोई इनपुट टैक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और इसके साथ जो अटैच प्रोविजंस हैं उसकी। और थ्योरेटिकल आस्पेक्ट यानी बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकल कवर नहीं होती और थ्योरी थ्योरी के क्वेश्चंस में होती है, तो वो इंशाल्लाह उसका थ्योरेटिकल आस्पेक्ट भी होगा। देखिए, एक इक्वेशन जो है मैं हमेशा स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे हम एक पहली लेसन जो देते हैं ना स्टूडेंट को, वो देते हैं सेल्स टैक्स लायबिलिटी इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अच्छा, आउटपुट टैक्स आपने फेडरल सेल्स टैक्स पढ़ा है, प्रोविंशियल का भी थोड़ा बहुत आइडिया है। आउटपुट टैक्स का मतलब ये है कि जो फॉर एग्जाम्पल फेडरल सेल्स टैक्स है तो उसमें सेक्शन 3 है, तो वहाँ पे जो सेल्स टैक्स चार्ज होता है उसे आउटपुट टैक्स कहा जाता है। और इनपुट टैक्स का मतलब ये है कि जो इनपुट टैक्स आप क्लेम करें, परचेज पे क्लेम करें। अब इनपुट टैक्स आपके पास 3 तरह के हो सकते हैं। इनपुट टैक्स ऑन सर्विसेज हो सकता है, इनपुट टैक्स ऑन गुड्स हो सकता है, और इनपुट टैक्स जो आपने इम्पोर्ट स्टेज पे अदा किया है। ये मैं फेडरल सेल्स टैक्स के परस्पेक्टिव में बात कर रहा हूँ। अगर आप प्रोविंस में हैं तो आउटपुट टैक्स आपने जो चार्ज किया है कस्टमर को, अगर सिंध में है तो 13% या दूसरा कोई रिड्यूस रेट है, या पंजाब में है तो फिर आपका जो 16 या 15% है या रिड्यूस रेट है तो वो आपने चार्ज किया। अब इनपुट टैक्स जो माइनस होना है, ये ज़रूरी नहीं है कि इनपुट टैक्स आपको हर आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट मिले। तो हम आगे जाके जब स्लाइड्स हमारे आगे जा रही होंगी, जब हम कंटिन्यू कर रहे होंगे, तो उस वक्त हमें थोड़ा सा आइडिया होगा कि अभी तो हम बात कर रहे हैं कि इनपुट टैक्स अभी 100% मिलने की बात करें, क्योंकि ये इनिशियल स्लाइड्स हैं। इसके बाद आपको आइडिया होगा कि कौन सा इनपुट टैक्स मिलेगा, कौन सा इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलें, तो अगर अब फेडरल सेल्स टैक्स का एक टैक्स पेयर है जो मैन्युफैक्चरर है, वो गुड्स बनाता है, और गुड्स बनाता है और फिर सप्लाई कर देता है, तो सप्लाई करते वक्त उसने आउटपुट टैक्स 1 मिलियन चार्ज किया है, और इनपुट टैक्स जो उसने रॉ मटेरियल पे खर्च की, उसको इम्पोर्ट किया है या पर लोकल परचेज किया, पैकेजिंग मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, ये तमाम जो हमारी गुड्स हैं वो इनपुट टैक्स ऑन गुड्स हो गई। और अगर वो बंदा अपनी मेंटेनेंस करवाता है या किसी इंजीनियर से सर्विसेज लेता है या एक्सपोर्टर है तो टर्मिनल ऑपरेटर की सर्विसेज लेता है एक्सपोर्ट करने के लिए, तो वो तमाम सर्विसेज जो लेता है वो भी इनपुट टैक्स कहलाएगा, ऑन इनपुट टैक्स ऑन सर्विसेज। तो टोटल इनपुट टैक्स उसका 8.5 लाख रुपये हो गया। अब उसको जो गवर्नमेंट ट्रेजरी में टैक्स जमा कराना है, फेडरल गवर्नमेंट ट्रेजरी में, वो 1.5 लाख रुपये जमा कराना है। इसी तरह एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं कि अगर एक सिंध का प्रोविंस में, सिंध के प्रोविंस में एक सर्विस प्रोवाइडर है, टेलीकम्युनिकेशन की एग्जांपल ले लें,
एक कंपनी है जो टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस देती है सिंध के अंदर, तो उसका आउटपुट टैक्स उसने चार्ज किया है 19.5% के हिसाब से, 19.5% टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर, तो 2 मिलियन यानी 20 लाख रुपए उसने इनपुट टैक्स चार्ज किया है। टेलीकम्युनिकेशन है, आपको पता है टेलीकम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारे गुड्स इस्तेमाल होते हैं, केबल्स इस्तेमाल होते हैं उस सर्विस को रेंडर करने के लिए, और कुछ सर्विसेज भी उसने टैक्स पेयर ने एक्वायर की होंगी मेंटेनेंस की, या इसके अलावा जो दूसरी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं उनसे उन्होंने हायर किया होगा। तो टोटल इनपुट टैक्स यहाँ पे 1 मिलियन सब उसने पे किया है गुड्स और सर्विसेज पे। तो अब हम इस बहस में नहीं जा रहे कि इनपुट टैक्स की बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे कि कौन सा मिलेगा, हम बिल्कुल अभी स्टार्ट में बिल्कुल इनिशियल एग्जाम्पल लेते हुए चल रहे हैं। तो 2 मिलियन अगर आउटपुट टैक्स है किसी का और 1 मिलियन इनपुट टैक्स है, तो सर्विस प्रोवाइडर को जो किसी भी प्रोविंशियल अथॉरिटी को टैक्स पे करना है आइदर पंजाब या सिंध, तो वो 1 मिलियन होगा। अच्छा देखिए, किसी भी लेवी को कोई भी लेवी है यानी प्रोविंशियल सेल टैक्स है या फेडरल सेल्स टैक्स है या कोई भी इंकम टैक्स है कोई भी है, तो उसका यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनली वो अराइज कहाँ से होती है, क्योंकि जो मदर ऑफ द लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आइटम नंबर फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक लिस्ट मौजूद है जो बताती है कि फेडरल गवर्नमेंट कौन कौन से कानून साजी कर सकती है। तो आइटम नंबर 4 शेड्यूल के अंदर आइटम नंबर 49 है जो कॉन्स्टिट्यूशन में पावर देता है, गिव्स पावर्स टू इनैक्ट द लॉ फॉर टैक्सेस ऑन सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स इम्पोर्टेड एक्सपोर्टेड प्रोड्यूस एंड मैन्युफैक्चर एंड कंज्यूम। ये फेडरल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि इसकी लेजिस्लेशन कर सकते हैं, यानी फेडरल लेजिस्लेटिव में वो आइटम्स हैं, वो सब्जेक्ट्स लिखे जाते हैं जिस पे फेडरल गवर्नमेंट लेजिस्लेशन कर सकती है। तो वहां से एक्सक्लूड किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है सेल टैक्स ऑन सर्विसेज को। ये जो तरमीम आई है ये 18वीं तरमीम कहलाती है, जिसमें आपको पता है कि सूबों को एम्पावर किया गया है कि वो अपने सेल टैक्स लॉ को सेल टैक्स खुद कलेक्ट करें ऑन सर्विसेज और जो भी उनके बजट्स हैं उसको फाइनेंस करें। तो 18वीं तरमीम 2010 में आई थी, इसके बाद जो प्रोविंशियल सेल्स टैक्स है वो लागू होना हर प्रोविंस में शुरू हो गया। अच्छा हम प्रोविंशियल सेल्स टैक्स से पहले थोड़ा सा फेडरल सेल्स टैक्स का बैकग्राउंड अपने जहन में बना लेते हैं। ये फेडरल सेल्स टैक्स क्या, क्योंकि आपने फेडरल सेल्स टैक्स पढ़ा हुआ है तो हम प्रोविंस को जब कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसकी कुछ हमें आइडिया होना चाहिए कि फेडरल सेल्स टैक्स के अंदर कौन से प्रोविजंस हैं जो हमारे लिए अभी रेलिवेंट हैं। देखिए फेडरल सेल्स टैक्स के अंदर एक इनपुट टैक्स की डेफिनेशन है सेक्शन 2 के अंदर, वो क्या कहती है कि जो भी टैक्स लेवीड हो अंडर द एक्ट यानी इम्पोर्ट स्टेज पे या सेक्शन 3 में, उसका इनपुट टैक्स आप ले सकते हैं ऑन सप्लाई या इम्पोर्ट। दूसरी बात, अगर फेडरल सेल्स टैक्स फेडरल एक्साइज एक्ट के अंदर जो सेल्स टैक्स मोड के अंदर ड्यूटी होती है, एक तो ड्यूटी इटसेल्फ अलग होती है लेकिन सेल्स टैक्स मोड में भी वो भी आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं, उसका भी इनपुट टैक्स ले सकते हैं। जो हमारे लिए रेलिवेंट है वो है प्रोविंशियल सेल्स टैक्स लेवीड ऑन सर्विसेज रेंडर्ड एंड प्रोवाइडेड टू द प्रोविंस, तो प्रोवाइडेड टू द प्रोविंस पर्सन। तो प्रोविंशियल सेल्स टैक्स की जो फेडरल का जो सेल टैक्स एक्ट है 1990 का, उसमें इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में प्रोविंशियल सेल्स टैक्स को शामिल किया गया है। इसका मतलब यह है कि फेडरल गवर्नमेंट का जो टैक्स पेयर है, जो मैन्युफैक्चरर है या कोई होलसेलर है, डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो प्रोविंशियल सेल्स टैक्स को क्लेम कर सकता है एज ए इनपुट टैक्स। इसके बाद आजाद जम्मू एंड कश्मीर का अपना लॉ है, अगर वहां पे कोई टैक्स पे हुआ है तो सेल टैक्स एक्ट 1990 है जिन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, अगर वहां पे किया हुआ है तो ऐसा इनपुट टैक्स ले सकते हैं। तो हमारा जो फोकस है प्रोविंशियल सेल्स टैक्स के ऊपर है। अब प्रोविंशियल सेल्स टैक्स की भी डेफिनेशन जो है सेल टैक्स एक्ट 1990 में डिफाइन की गई है, वो क्या है कि टैक्स लेवीड अंडर प्रोविंशियल लॉस और लॉ रिलेटिंग टू इस्लामाबाद कैपिटल। आपको पता है कि इस्लामाबाद कैपिटल इज अ स्पेशल टेरिटरी, कॉन्स्टिट्यूशन में इनका अपना एक रोल है। तो टैक्स लेवीड अंडर प्रोविंशियल लॉ एंड लॉज रिलेटिंग टू इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी विच आर डिक्लेयर्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन टू बी प्रोविंशियल सेल्स टैक्स फॉर पर्पज ऑफ इनपुट टैक्स, यानी इनपुट टैक्स की डेफिनेशन इटसेल्फ एक है, और फॉर द पर्पज ऑफ इनपुट टैक्स फेडरल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफाई करेगी कि ये प्रोविंशियल सेल्स टैक्स कहलाएगा। अगर वो नोटिफाई नहीं करेगी किसी प्रोविंस के टैक्स को
ये थ्रू नोटिफिकेशन, तो वो इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में शामिल नहीं हो सकता। इसीलिए एक SRO इशू किया गया है, SRO 814/2016, जिसके अंदर जितने भी प्रोविंशियल रिलेटेड लॉज हैं, सही है, उनका प्रोविंशियल रिलेटेड लॉज हैं उनकी उनको शामिल किया गया है वहाँ पे, कि आप उसको एज ए इनपुट टैक्स ले सकते हैं। इस लॉ के अंदर जो तीसरा आइटम है हमारा, खैबर पख्तूनख्वा फाइनेंस एक्ट 2013, ये लॉ के अंदर SRO के अंदर भी चेंजेस तो नहीं आए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा का जो फाइनेंस सर्विस लॉ है वो पूरा के पूरा चेंज हुआ है, और 2022 के अंदर इसका कंप्लीट लॉ चेंज हुआ है। तो लेकिन SRO के अंदर इस तरह की कोई अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, यानी हमने पहले देखा कि जो अब तक जो हमने गुफ्तगू की है उसके अंदर हमने देखा कि एक फेडरल गवर्नमेंट का टैक्स पेयर है, जो मैन्युफैक्चरर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, वो किस तरह इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट लेता है। उसको इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट लेने के लिए फेडरल का लॉ भी पता होना चाहिए और सर्विस लॉ भी पता होना चाहिए। अगर प्रोविंस का एक बंदा है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन की एग्जाम्पल ली, उसको भी सर्विस लॉ का पता होना चाहिए कि कौन से इनपुट टैक्स मिलेंगे, कौन सा टैक्स चार्ज करना है। इसके बाद हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन बैकग्राउंड को देखा हमने। कॉन्स्टिट्यूशन बैकग्राउंड में हमने देखा कि 2010 के बाद इमर्ज हुआ है सेल टैक्स ऑन सर्विस। इससे पहले भी था, लेकिन वो फेडरल गवर्नमेंट उसको इन्फोर्स करती थी, और लेकिन प्रोविंस का राइट उस पर कलेक्शन का नहीं था। इसके बाद हमने देखा कि अगर हम फेडरल सेल्स टैक्स लॉ हमने पढ़ा है तो उसमें क्या कनेक्शन है इन प्रोविंशियल लॉज का। तो पहला जो लॉ है इस्लामाबाद कैपिटल ट्रेटी सेल टैक्स ऑन सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2001 है, दूसरा सेल टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2011 है, तीसरा जो प्रोविंशियल लॉ है सर्विसेज से रिलेटेड वो पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 है, बलूचिस्तान सेल टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2015 है, और जैसे मैंने फरमाया कि खैबर पख्तूनख्वा सेल टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2022 जो लास्ट ईयर पूरा चेंज हुआ है। अगर आप इसकी इन्फोर्समेंट देखें, इन्फोर्समेंट डेट देखें, ये लॉ कब से एप्लीकेबल होना शुरू हुए, तो सबसे पहले फिन ने पहल करते हुए जुलाई 2011 से, 2010 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई, 2011 से सिंध ने अपना लॉ पास किया, और फिर पंजाब ने 2012 में जुलाई से इम्प्लीमेंट किया, बलूचिस्तान ने 2015 से इम्प्लीमेंट किया। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लॉ इटसेल्फ इसका ताल्लुक फेडरल उससे है नहीं, यानी प्रोविंशियल लॉ तो है नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये इटसेल्फ अगस्त 2001 से मौजूद था। खैबर पख्तूनख्वा फाइनेंस एक्ट 2022 है, इसका नाम अब चेंज हुआ है, इसका लॉ इंटरनली चेंज हुआ है, लेकिन इटसेल्फ ये जो लॉ है इसकी इफेक्टिव डेट इसे जो जुलाई 2013 है। अब एक लॉ तो जो बनाता है फेडरल गवर्नमेंट का लॉ जो होता है, जैसे सेल टैक्स एक्ट 1990 है, या फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट 2005 है, या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये तो नेशनल असेंबली बनाती है, उसमें अमेंडमेंट करती है, और कोई भी फेडरल गवर्नमेंट का लॉ है जो फेडरल फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में आता है, उसको फेडरल गवर्नमेंट नेशनल असेंबली, उसका लेजिस्लेटिव पावर है वो नेशनल असेंबली पास करती है। लेकिन हमारी जो प्रोविंशियल कानून साजी होती है वो प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर होती है। तो लेजिस्लेशन करना असेंबली का काम होता है, लेकिन इसी लेजिस्लेशन जो आई है, जो लॉ आया है, इसको इन्फोर्स करने के लिए भी, इन्फोर्स करने के लिए कोई अथॉरिटी चाहिए होती है। तो इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है, इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है, सिंध के लिए सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, SRB जिसे कहते हैं, पंजाब के लिए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है जिसे हम PRA कहते हैं, बलूचिस्तान सेल टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट के लिए बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी है, इसको सॉरी मैंने PRA लिखा हुआ, ये BRA होना चाहिए। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का जो सर्विस लॉ है उसके लिए FBR अथॉरिटी है, और जो खैबर पख्तूनख्वा है उसके लिए KPRA अथॉरिटी है। तो ये तमाम अथॉरिटी अपनी अपनी जगह हर प्रोविंस में काम कर रही हैं। इसके बाद जब हम इन लॉस जो पांच लॉ हम देख रहे हैं आज, उसको सरसरी तौर पे और कुछ डिटेल में देखेंगे, तो आप जब उसके सेकेंड शेड्यूल को देखेंगे थे ना, तो वहाँ पे या उसके साथ SROs को देखेंगे तो आपको कुछ एप्लीकेबल रेट्स नजर आएंगे, जिसमें 19.5% है,
आपका टेलीकम्युनिकेशन में सिन के अंदर बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसमें हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, 13% है, कुछ सर्विसेज पे 10% है, कुछ सर्विसेज पे 8 है, कुछ पे 5 है, कुछ पे 3 है, कुछ पे फिक्स रेट है, यानी 500 रुपये पर या 200 रुपये पर इंस्टांस उन्होंने लगाया हुआ है। इसी तरह पंजाब के अंदर भी 19.5% टेलीकम्युनिकेशन, 16, 15, 5 और 0 भी रेट है कई 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 जगहों पे, और फिक्स रेट्स भी हैं। बलूचिस्तान में भी 19.5, 15 और 6 है, और फिक्स रेट्स भी हैं। कैपिटल टेरिटरी में भी 16, 15, 5 और 0 भी है और फिक्स रेट्स भी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी 19.5%, 15, 10, 8, 5, 2, 1 और फिक्स रेट्स हैं। तो हम आगे जाके देखेंगे कि ये रेट्स हमें कहाँ से पता चलेंगे और तारिक हम साहब, कैसे मैं देखेंगे। इंटरप्ट जी यू। तारिक जी जी सर, प्लीज। साहब, इस स्लाइड में हम ये बात क्या कंक्लूड कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि एग्जाम के अंदर अगर कोई सर्विसेज हो, अगर हमें रेट का नहीं पता और हमारे पास टाइम भी आपको पता है कितना ज्यादा नहीं होता, तो क्या 19.5% एज अ जनरल रेट हम ले सकते हैं उसके अंदर? नहीं सर, 19 पॉइंट आप इसको इस तरह कर सकते हैं, बड़ा सिंपलिसिटी के लिए, बहुत सिंपल करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए, कि आप इस रेट को दो हिस्सों में बांट लें, टेलीकम्युनिकेशन एंड अदर देन टेलीकम्युनिकेशन। सही ना? टेलीकम्युनिकेशन के लिए याद रखें कि 19.5% है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए 19.5% है, और बाकी जो प्रोविंस के रेट हैं वो आपको प्रोविंस वाइज याद करने पड़ेंगे। यानी सिंध के लिए 13, पंजाब के लिए 16, ये स्टैंडर्ड रेट कहलाते हैं। बलूचिस्तान, यानी इतने सारे रेट याद नहीं करने, तो जो इसका जो स्टैंडर्ड रेट है वो आपको याद करना पड़ेगा, जो स्टेचुरी रेट कहलाता है। रिड्यूस रेट भले स्टूडेंट्स कर सकते हैं कि उसको स्कीप कर सकते हैं। तो बलूचिस्तान के लिए 19.5 और 15, और कैपिटल टेरिटरी के 16 याद रख लें, कोमसलानी और खैबर पख्तूनख्वा के लिए 19.5 और 19। यानी एक बात तो यहाँ पे तय है कि टेलीकम्युनिकेशन के लिए कोई रेट याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो 19.5% ही है। बाकी जो सर्विसेज हैं, जो मुख्तलिफ सर्विसेज हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा रिमेम्बर, आप स्टूडेंट प्रैक्टिस में नहीं होते, आई अंडरस्टैंड कि उनको थोड़ा सा रिमेम्बरेंस में इश्यू होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि हमें एक रेट नहीं बताना चाहिए, वो फिर थोड़ा सा गलत हो सकता है सर। इनका तारिक साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जी इनका एग्जाम जो है वो तो ओपन बुक होगा ना? जी 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 ओपन जी बुक में एग्जैक्टली तो ये इसको कर सकते हैं, लेकिन सम टाइम इट हैपेंस कि वो उसमें वो बताया नहीं जा रहा होता, इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा था कि उसके अंदर एक जनरल रेट को अगर इसको हम स्टूडेंट्स के लिए हाईलाइट कर दें तो इनके लिए आसानी होगी, कि वैसे तो ये इनके पास एग्जाम में बुक्स होती हैं। हाँ, तो सर इसमें एडवाइस यही है कि टेलीकम्युनिकेशन के लिए तो 19.5% तमाम प्रोविंसेस के लिए लिखा जा सकता है, बाकी इनके पास सेकंड शेड्यूल मौजूद होगा, तो उसमें जो स्टैचुरी रेट है वो उनको रेफर करना चाहिए एग्जाम में। आई होप आंसर द क्वेश्चन। मे आई कंटिन्यू? एक्सक्यूज जी जी यस यस थैंक यू। मी सर, जी जी प्लीज। जी जी फरमाइए। जी सर मैंने ये पूछना था कि अगर जैसे सिंध का है, 13 से जो रिड्यूस होगा तो उसको रिड्यूस रेट कहेंगे, या 3 और 5 होगा तो उसे रिड्यूस रेट कहेंगे? 13% से जो भी कम रेट होगा उसे रिड्यूस रेट कहा जाएगा। यानी 13 के बाद अगर 10 है, 8 है, 3 है, उसको रिड्यूस रेट, 13 से जो नीचे रेट होते हैं उसको रिड्यूस रेट कहा जाता है। ओके सर। देखिए, एक बात याद रखें कि लॉ जो है, जो सर्विस टैक्स लॉ है, सिंध का अपना है जिसके नाम हमने पढ़ लिए, पंजाब का अपना है, सबका अपना अपना लॉ है, लेकिन लॉ जो हम कहते हैं ना कि इनकम टैक्स लॉ, हम ऑर्डिनेंस नहीं कहते आमतौर पे, आम जबान में गुफ्तगू में हम वर्ड यूज करते हैं सेल टैक्स लॉ, इनकम टैक्स लॉ, फेडरल एक्साइज लॉ। तो ये जो लॉ है ये एक वर्ड है, तो हम जब भी कहेंगे कि सेल टैक्स ऑन सर्विसेज लॉ या सिंध सेल टैक्स ऑन सर्विसेज लॉ क्या है, तो वो एक पहले तो एक्ट जो मैंने पीछे नाम दिया सिंध सेल टैक्स सर्विसेज ऑन सर्विसेज एक्ट 2011, वो एक्ट है। लेकिन अब जब प्रैक्टिस स्टूडेंट्स जो है प्रैक्टिस के बाद, प्रैक्टिकल ये एग्जाम के बाद जब माशाल्लाह प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे, या कुछ लोग प्रोफेशनल लाइफ में होंगे भी, तो उनकी याद दिहानी के लिए मैं बता दूं कि जो एक्ट होता है, जो सेक्शंस होते हैं, उसके अलावा भी
जो लॉ होता है उसको रेफर करना पड़ता है समटाइम्स, तो रूल्स भी एक्ट जो होता है वो उसके अंदर सेक्शंस होते हैं, फिर क्योंकि तमाम लॉ इटसेल्फ वहां पे लिखा नहीं जा सकता सेल्टिक्स एक्ट के अंदर, एक्ट के अंदर वहां पे अगर लिख दिया जाए तो थोड़ी सी आप समझे कि लेंथीनेस हो जाएगी और वहां से जो मैसेज है वो कन्वे नहीं हो पाएगा, तो इसलिए रूल्स बनाए जाते हैं। और दूसरी पर्पस ये भी होता है कि एक्ट जो होता है वो असेंबली पास करती है और रूल्स जो होते हैं वो अथॉरिटी, जैसे मैंने बहुत सारी अथॉरिटी का नाम लिया SRB, PRA, BRA, KPRA, तो वो जो नेशनल असेंबली होती है या प्रोविंशियल असेंबली होती है वो डेलीगेट करती है लेजिस्लेटिव पावर्स अपने अथॉरिटी को, कि क्योंकि हर वक्त आपको पता है कि असेंबलीज जो होती हैं वो सेशन में नहीं होती, तो रूल्स का पावर्स होते हैं, वो रूल बना सकती हैं, नोटिफिकेशन इश्यू कर सकती हैं, सर्कुलर्स इश्यू कर सकती हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो एक तो असेंबली ने पास कर लिया रूल, नोटिफिकेशन, सर्कुलर टैक्स पेयर की आसानी के लिए इश्यू कर दिए गए अथॉरिटी ने, और एक जो चीज जो कंपोनेंट होता है लॉ का पार्ट वो होता है केस लॉ, कोड मेड लॉज, यानी आप बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो टैक्स पेयर और अथॉरिटी के दरमियान डिस्प्यूट होते हैं जो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट जो डिसीजन देती है तो वो फिर प्रिवेल करते हैं, और वो पार्ट लॉ लॉ का पार्ट तो नहीं होते, एक्ट का पार्ट तो नहीं होते, लेकिन वो एक केस होता है जो जब भी इस तरह का इशू आएगा तो उसको रेफर किया जाता है, उसको एज अ गुड लॉ कहा जाता है। तो ये कोर्ट मेड लॉज जो होते हैं उसे केस लॉज कहा जाता है। तो ये एज अ कंप्लीट सेल टैक्स लॉ सर्विस का कहलाएगा। अगर प्रोविंस का है तो प्रोविंस की तमाम चीजों को आपको रेफर करना पड़ेगा, तो क्योंकि आपका इतना स्कोप नहीं है इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हम अपने आप को एक्ट तक की महदूद रखेंगे। अब हमने किया ये है आपकी आसानी के लिए कि हमने सिन सेल्टेक्स को एक बुनियाद बनाया है और फिर इसको कंपेयर किया है पंजाब के लॉ से, और इसके बाद यानी क्योंकि टाइम की लिमिटेशंस होंगी इसलिए हमने इसको पंजाब और सिंध को भी फोकस रखा हुआ है, और आई होप कि आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा अगर ये दो लोगों को आप ग्रिप कर लें, इन दो लोगों की दो जो पंजाब और सिंध के स्ट्रक्चर को समझ लें, यानी एक एक लॉ को स्ट्रक्चर समझना है आपको कि वो कैसे ऑपरेट करता है, कैसे ऑपरेशन में आता है, कैसे इन्फोर्स होता है, तो फिर आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी दूसरे प्रोविंस के लॉ को समझने के लिए। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं सिंध लॉ की तरफ हैं, तो सिंध के अंदर सर्विस का मतलब क्या है? तो एनीथिंग विच इज नॉट गुड्स एंड शैल इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू द सर्विसेज लिस्टेड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट, यानी सेल्टेक्स एक्ट ऑन सर्विसेज 2011 जो सिंध का है वो कहता है जो चीज गुड्स ना हो, यानी गुड्स की डेफिनेशन आप सेल्टेक्स एक्ट 1990 में पढ़कर आ गए कि एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी है ना वो गुड्स कहलाती है, और उसमें कुछ एक्सक्लूजन भी मौजूद हैं वहाँ के लॉ के अंदर, एक्शनेबल क्लेम्स हैं, मनी है, तो वो गुड्स नहीं कहलाती। तो बाकी जो चीज़ें गुड्स कहलाती हैं तो ये सर्विस का लॉ कहता है कि सर्विस वो होती है जो गुड्स नहीं होती, यानी आप इतना सिंपल कर दिया, यानी 1 + - 1 0 कर दिया है, तो ऐसा इतना आसान मसला है नहीं वैसे, लेकिन सर्विस के लॉ ने इसको डिफाइन किया है एनीथिंग विच इज़ नॉट गुड्स and shall include but not limited to the services. अब देखें आप जो भी लॉ उठाएंगे, सिंध का उठा लें, पंजाब का उठा लें, तो वहाँ पे दो शेड्यूल मौजूद हैं, फर्स्ट शेड्यूल मौजूद है और सेकेंड शेड्यूल मौजूद है। तो जो फर्स्ट शेड्यूल है वहाँ पे लिस्ट ऑफ सर्विसेज दी हुई है, और सेकेंड शेड्यूल जो है वहाँ पे टैक्सेबल सर्विस दी हुई है। तो थोड़ा सा मैं आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा सा मजीद आपको इसका अंदाजा होगा। As services shall remain and continue to be treated as services. यानी जो सिंध सेल्टेक्स का लॉ है या पंजाब का है वो कहता है कि वो सर्विसेज रिमेन एंड कंटिन्यू ट्रीटेड सर्विसेज रिगार्डलेस वेदर और नॉट प्रोवाइडिंग देयर ऑफ यू इन्वॉल्व एनी यूज सप्लाई डिस्पोजिशन और कंजम्पशन ऑफ एनी गुड आइदर एज एसेंशियल और एज ए इंसिडेंशियल आस्पेक्ट ऑफ सच प्रोवाइडिंग। यानी एक बंदा सर्विस दे रहा है तो सर्विस देते हुए कुछ चीजें गुड्स भी कंज्यूम करेगा, सही है? तो जो गुड्स कंज्यूम करेगा तो गुड्स कंज्यूम करने के बावजूद भी वो सर्विस ही कहलाएगी। इस एग्जांपल ले लें,
जैसे फॉर एग्जांपल एक इंस्टॉलेशन सर्विसेज देता है एक सर्विस प्रोवाइडर, तो इंस्टॉलेशन सर्विसेज में आपको पता है कि इंस्टॉलेशन में एक जनरेटर की अगर बनाई जाती है, इंस्टॉलेशन की जाती है, तो पहले इसकी सीमेंट का एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए जनरेटर के, फिर केबल्स के जरिए वायरिंग की जाती है, तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं गुड्स होती हैं। तो सर्विस का लॉ कह रहा है कि वो तमाम चीज़ें जो गुड्स नहीं है वो सर्विसेज हैं, और फर्स्ट शेड्यूल को रेफर किया, और दूसरी बात ये भी क्लेरिफाई कर दी कि सर्विस हमेशा से सर्विस रहेगी बावजूद इसके कि गुड्स उसमें उसका असेंशियल पार्ट है। यानी एक और एग्जांपल ले लें, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हैं, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में आपको पता है कि अगर कंस्ट्रक्शन सर्विस में देखा जाए तो 70% जो है वो मटेरियल होता है आपका, यानी सीमेंट और सीरिया स्टील, और उसकी ही सब उसका मेजर पार्ट होता है। तो फिर भी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज जो भी बंदा देता है तो वो जब किसी को भी देता है तो उसका 70% जो उसकी कॉस्ट होती है वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल यानी सीमेंट और स्टील पे डिपेंड करती है। अच्छा, इसके बाद क्लेरिफाई करता है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड द सर्विस और सर्विसेज इन्वॉल्व इन सप्लाई ऑफ शेल रिमेन एंड कंटिन्यू टू बी सर्विस और सर्विस, यानी अगर बोर्ड क्लेरिफाई करना चाहे तो इसके उलट भी क्लेरिफाई कर सकती है, और सर्विसेज और सर्विसेज इन्वॉल्व इन सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी अब आप थोड़ा सा समझें कि एक पर्सपेक्टिव लें कि एक फेडरल गवर्नमेंट का मैन्युफैक्चरर है तो वो क्या करता है कि सप्लाई करता है, वो सप्लाई करता है, तो सप्लाई करते हुए कुछ सर्विसेज कंज्यूम करता है, जब कुछ सर्विसेज कंज्यूम करता है तब अब लॉ ये कह रहा है कि वो सप्लाई के वक्त जो सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है तो वो भी सर्विसेज ही कहलाएंगी, सिवाय इसके कि बोर्ड कोई और चीज़ क्लेरिफाई ना कर। तो मैं इस स्लाइड को कंक्लूड करूँ अगर, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि गुड्स, जो चीज़ गुड्स नहीं होती वो सर्विस होती है, और फर्स्ट शेड्यूल में उस सर्विसेज की लिस्ट मौजूद है आपकी आसानी के लिए। और दूसरी बात ये क्लेरिफिकेशन के तौर पे कि अगर गुड्स कंज्यूम हो जाए सर्विस के देते वक्त तो वो सर्विस ही रहेगी, और अगर सर्विस गुड्स सप्लाई करते हुए कोई सर्विस कंज्यूम हो जाए तो वो सर्विस ही रहेगी, यानी वो अपनी हालत नहीं चेंज करेगी, यानी गुड्स सर्विस में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, सर्विस गुड्स में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्शन बिजनेस में ऐसा नहीं होता, यानी आप बहुत सारे बिजनेस ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं कि जब कंस्ट्रक्शन में आप देखें तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में जो इन्वॉल्व होता है तो उसने एक असाइनमेंट लिया कि मुझे एक प्रॉपर्टी बनानी, इमूवेबल प्रॉपर्टी बनानी है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको पता है कि सेल टैक्स एक्ट का पार्ट नहीं है, गुड्स नहीं है, तो अब इमूवेबल प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, उसमें स्टील भी कंज्यूम हो रहा है, उसमें सीमेंट भी कंज्यूम हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो गुड्स आ रही हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसमें जो सिर्फ जो उसका जो कंस्ट्रक्शन का जो इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर, उसकी सर्विसेज जो हैं वो सर्विसेज हैं। तो समटाइम इतना आसान नहीं होता, थिन लाइन नहीं होती इतनी। अच्छा, अगर ये तो मैंने रेफर किया था सेक्शन 279 सिंध का, हम पंजाब का भी सेक्शन को रेफर कर सकते हैं, तो आप पढ़ेंगे डाउनलोड करके या रेफर कर लें अगर आपके पास किताब हो, तो लगभग तकरीबन यही बात लिखी हुई है पंजाब के अंदर भी। बात हो रही थी कि सेल टैक्स एक्ट है, उसके सेक्शंस हैं, सेक्शंस के बाद आखिर में दो शेड्यूल्स हैं, एक फर्स्ट शेड्यूल है जहाँ पे लिस्ट ऑफ सर्विसेज दी हुई है, और सेकंड शेड्यूल है जहाँ पे लिस्ट ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज दी हुई है। अब दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क ये है कि फर्स्ट शेड्यूल में जो लिस्ट दी हुई है वो सिर्फ एक लिस्ट है कि फॉर एग्जाम्पल टैक्स कंसल्टेंट की सर्विसेज है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज है, ट्रेनिंग सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज है, अब उस पर टैक्स लगेगा नहीं लगेगा वो फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट नहीं है, वहाँ पर सिर्फ एक सिंपल सी लिस्ट दी हुई है। सेकेंड शेड्यूल में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे जो सर्विस की लिस्ट दी हुई है उसके आगे रेट्स भी लिखे हुए हैं कि इस सर्विस के ऊपर कौन सा रेट लगेगा, सेकेंड शेड्यूल में कौन सा रेट लगेगा, यानी अगर टेलीकम्युनिकेशन है तो 19% लगेगा, अगर ट्रेनिंग सर्विसेज रिड्यूस रेट 5% लगता है, अगर कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज हैं तो 8 भी लगता है, 13 भी लगता है, इसी तरह अगर मेंटेनेंस की सर्विसेज हैं तो 10% लगता है, और हर प्रोविंस में अलग अलग रेट्स हैं। तो सेकंड शेड्यूल जो बताता है कि टैक्सेबल सर्विस जिस पे आपको टैक्स चार्ज करना है, यानी फॉर एग्जांपल आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आप किसी को इस तरह की सर्विस देते हैं
तो आपको इनवाइस इशू करनी है, इनवाइस इशू करते वक्त टैक्स चार्ज करना है, टैक्स चार्ज करते वक्त रेट जो सेकंड शेड्यूल में दिया हुआ है वो आपको देखना है। और जैसे मैंने पहले कहा कि सेकंड शेड्यूल इटसेल्फ सब कुछ नहीं है, रूल्स, नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स भी आपको, जब आप कोई सर्विस दे रहे हैं तो उस वक्त इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है कि वहाँ पर कोई ऐसी बात तो नहीं लिखी जो कुछ और बात कह रही हो। तो सेकंड शेड्यूल इटसेल्फ भी सब कुछ नहीं है, उसके साथ सपोर्टिंग लॉज जो हैं, रूल्स हैं या आपके नोटिफिकेशंस हैं, उनको भी रेफर करना पड़ेगा। लेकिन इसकी थोड़ी सी एग्जांपल हम लेके चलेंगे। अब सर्विसेज की बात करें, ये सिन के पर्सपेक्टिव में है और इसको थोड़ा बहुत हम जो है ना अप्लाई कर सकते हैं दूसरे प्रोविंस में भी, लेकिन अब ये बात इतनी यानी आप कह सकते हैं कि इतनी अथॉरिटीज मानती नहीं है इस बात को। शुरू में तो इन्होंने इस तरह इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, लेकिन अब आप जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम जब साइट्स को आगे बढ़ाएंगे तो उस वक्त आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि जो मैंने पहले बात की कि फर्स्ट शेड्यूल एक लिस्ट ऑफ सर्विस होती है और सेकेंड शेड्यूल जो होता है टैक्सेबल सर्विस होती है। अब इसको थोड़ा सा लेते हैं, ये सिन के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ कि फर्स्ट शेड्यूल में अगर कोई सर्विस लिखी हुई है और वो सेकंड शेड्यूल में नहीं लिखी हुई तो वो सब्जेक्ट टू टैक्स नहीं है, सही। यानी एक चीज फर्स्ट शेड्यूल में लिखी हुई हो, सेकंड शेड्यूल में नहीं लिखी हुई हो, वो सब्जेक्ट टू टैक्स नहीं होती। इसी तरह अगर एक चीज फर्स्ट शेड्यूल में भी है और सेकंड शेड्यूल में भी है तो उस पर टैक्स चार्ज होगा, सही है। तो अब समटाइम ये होता है, कभी कभी इस तरह भी प्रॉब्लम्स आई हैं जो हम एक्सपीरियंस में होते हैं कि डायरेक्टली एक चीज जो है ना सेकंड शेड्यूल में आ जाती है, तो उसके लिए फिर लोग लेगिस्लेशन या केस डिस्प्यूट करते हैं, कोर्ट्स में जाते हैं कि एक चीज लिस्ट ही नहीं गई फर्स्ट शेड्यूल में, तो आप सेकंड शेड्यूल में कैसे डायरेक्टली इसको इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रोविंस के सिंध की हद तक तो ये है कि सिंध जब भी कोई टैक्स लगाता है सेकंड शेड्यूल के अंदर तो उसके फर्स्ट शेड्यूल में पहले इंक्लूड करता है और फिर सेकंड शेड्यूल में भी इंक्लूड करता है और फिर उस पर टैक्स की इम्प्लीकेशन अराइज होती है। सिन की एक क्लेरिफिकेशन है जो बहुत शुरू में दी गई थी और उन्होंने कहा था कि अगर कोई चीज फर्स्ट शेड्यूल में भी नहीं है और सेकंड शेड्यूल में भी नहीं है और अगर वो बाय कॉन्ट्रैक्ट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू दी गई है, एक टैरिफ हेडिंग है सेकंड शेड्यूल के अंदर 9809 कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन एंड फर्निशिंग ऑफ सप्लाई। याद रखेंगे इस सर्विस के अंदर दोनों कंपोनेंट शामिल होना लाजमी है, यानी एक तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, पहली कंडीशन है, और दूसरी उसमें दोनों कंपोनेंट शामिल होना चाहिए, सर्विस का भी कंपोनेंट होना चाहिए और गुड्स का भी कंपोनेंट होना चाहिए तभी। तो अगर एक चीज फर्स्ट शेड्यूल में भी नहीं लिखी हुई, सेकंड शेड्यूल में भी नहीं लिखी हुई और अगर किसी बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उस चीज का और वो सर्विस है और साथ साथ वो साथ में उसकी सप्लाईज भी हैं तो फिर वो सब्जेक्ट टू टैक्स हो जाएगी। ये SRB की क्लेरिफिकेशन है। अब तक कोई सवाल? अच्छा तारिक साहब, नॉर्मली हम जो इसका जो फिलॉसफी लेके चलते हैं इनकम टैक्स के अंदर, सेल्स टैक्स ऑफ गुड्स के अंदर, तो उसके अंदर एग्जेम्पशंस गिवन है। अगर हम बात करें सेल्स टैक्स एक्ट की तो उसके अंदर एग्जेम्पशंस हमारी गिवन है 6th शेड्यूल के अंदर। तो हम कहते हैं कि वो गुड जो 6th शेड्यूल में नहीं है विद कंडीशंस और विदाउट कंडीशंस जो है ना वो टैक्सेबल है। इसी तरह जब हम इसका जैसे सेक्शन 3 अभी आपने मेंशन किया हुआ है, इसका स्कोप जो डिफाइन कर रहा है इसके अंदर, तो ये हमें तो बड़ी क्लियर कट बात ये बता रहा होता है कि जनाब वो सर्विस जो फर्स्ट शेड्यूल में है उन पे टैक्स लगेगा। तो प्रिंसिपली तो ऐसे ही होना चाहिए कि जो फर्स्ट शेड्यूल में नहीं है वो सेकेंड शेड्यूल में नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई सर्विस फर्स्ट में है ही नहीं तो सेकेंड में भी नहीं होंगी तो फिर उसके ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने सिंध का एक रेफरेंस दिया SRB का कि उसके अंदर ये बात मौजूद है सिंध के अंदर कि अगर वो सर्विसेज की डेफिनेशन में फॉल कर जाएंगी फिर भी उसके ऊपर टैक्स लगेगा। हाँ, यानी मैं स्लाइड देखें, फर्स्ट शेड्यूल में तो वो लिस्टिंग है किस्म की, यानी सर्विसेज की ना, वहां से टैक्स चार्ज क्रिएट नहीं होता। टैक्स चार्ज क्रिएट होता है सेकेंड शेड्यूल में आने से। अगर एक चीज फर्स्ट शेड्यूल में है और सेकंड शेड्यूल में नहीं है तो टैक्स का चार्ज नहीं लगेगा उस पर, सही। इसी तरह एक चीज फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल दोनों में है तो टैक्स का चार्ज लगेगा, और एक स्पेशल सर्कमस्टेंसेस सिन की हद तक
कि अगर दोनों में नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू है और उसमें सप्लाईज भी हैं, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, मैंने रिपीट नहीं करना चाह रहा। तो अभी दो एग्जांपल लेके चलें कि फर्स्ट शेड्यूल में और सेकंड में नहीं है तो प्लीज सब्जेक्ट टू टैक्स नहीं है, यानी सेकंड शेड्यूल ही सब कुछ है। आपने रेफर किया सेल टैक्स एक्ट 1990 को, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है हमारा नेगेटिव लिस्ट कॉन्सेप्ट, यानी मैं बच्चों को, हम आईबीए वगैरह में पढ़ाते हैं तो बच्चों को पहला लेसन यही देते हैं कि आसानी के लिए कि तमाम गुड्स सब्जेक्ट टू टैक्स हैं, तमाम गुड्स सेल टैक्स एक्ट 1990 में सब्जेक्ट टू टैक्स है, उस पर टैक्स लगेगा सिवाय सिक्स शेड्यूल के या 13 सेक्शन 13 की नोटिफिकेशन के, उन पे टैक्स नहीं लगेगा। तो वहां पे बड़ी बात आसान हो जाती है कि तमाम गुड्स टैक्सेबल हैं, सब पे टैक्स लगेगा सिवाय सिक्स शेड्यूल के। अब यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, यहाँ पे वो नेगेटिव लिस्ट कॉन्सेप्ट नहीं है सिक्स शेड्यूल की तरह, यहाँ पे ये है कि एक लिस्ट मौजूद है और वो लिस्ट जो है वो सेकेंड शेड्यूल है। तो प्रोविंशियल अथॉरिटीज काम कर रही हैं इसके ऊपर कि वो FBR का जो स्ट्रक्चर है सेल टैक्स एक्ट 1990 का, उस पे शिफ्ट करेंगे इसको, और उसमें इस तरह फ्यूचर में ऐसा होगा कि इसी तरह होगा कि तमाम चीज़ें टैक्सेबल सर्विसेज होंगी सिवाय वो जो शेड्यूल में लिखी हुई हैं। तो अभी फिलहाल ऐसा नहीं है, अभी जो है ऐसा आप कर सकते हैं कि कुछ गुड्स ऐसी हैं जो सेकंड शेड्यूल में हैं वो टैक्सेबल हैं, और कुछ फिर सेकंड शेड्यूल में आके वो एग्जेम्प्ट हो जाती हैं, यानी अथॉरिटी क्या करती है सेकंड शेड्यूल में शामिल करती है फिर उसको एग्जेम्प्ट कर देती है नोटिफिकेशन के थ्रू, या अगर पंजाब का एक्ट देखें तो वहीं पे एक्सक्लूड कर देती है, वहीं पे उसको सेकंड शेड्यूल में ही उस वहां पे एक्सक्लूड कर देती है कि इस पे टैक्स चार्ज नहीं होगा। अच्छा अब आते हैं सेक्शन 3 की तरफ, सिंस सेल टैक्स के टैक्सेबल सर्विसेज। टैक्सेबल सर्विसेज इज अ सर्विसेज लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द पर्सन टू द सर्विस रिसिपिएंट, यानी एक सर्विस प्रोवाइडर है जो सेकंड शेड्यूल वाली सर्विसेज देता है एक सर्विस रिसिपिएंट को, और जो सर्विस रिसिपिएंट है उसका स्टेटस से कोई हर्ज नहीं है, यानी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। अब यहाँ पे बात याद रखें, रेजिडेंट है सिंध का तो सिंध में रहता है, और नॉन रेजिडेंट से मुराद है जो सिंध के बाहर रहता है, यानी प्रोविंशियल लॉ के अंदर नॉन रेजिडेंट का मतलब ये नहीं होगा कि वो पाकिस्तान से बाहर है, लेकिन ये भी मतलब होगा कि वो सिंध से बाहर है। तो नॉन रेजिडेंट का मतलब है कि वो सिंध से भी बाहर है और वो पाकिस्तान से भी बाहर है। तो टैक्सेबल सर्विसेज लिस्टेड हैं जो सेकंड शेड्यूल में अगर प्रोवाइड की जाएं सर्विस रिसिपिएंट को फ्रॉम हिज प्लेस हिज ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस इन सिंध, ठीक है, यानी उसका कोई ऑफिस है या प्लेस ऑफ कोई प्लेस है और प्लेस ऑफ बिजनेस है, यानी शॉप है या कोई और ऐसी जगह है, वेयर हाउस है या वर्कशॉप है, सिंध में होना चाहिए। इन कोर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये आगे जाके हम थोड़ा सा इसको डिफाइन करेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है, इंक्लूडिंग इन कमिसमेंट और टर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटी। अब सर्विस में होता क्या है, सर्विस में सर्विस एक जो है ना गुड्स तो टेंजिबल होती हैं, टेंजिबल होती हैं तो वो मूव हो जाती हैं, मूव होने के बाद आप किसी को अगर सप्लाई कर दें यानी एज डिस्पोज ऑफ कर दें और उसको राइट दे दें डिस्पोजल का, तो वो सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाती है। सर्विस में कुछ इस तरह से होता है, कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिनकी ओरिजिनेशन होती है यानी कमिसमेंट होती है सर्विस की, और एक होती है टर्मिनेशन, यानी फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट है, ट्रक है, तो वो यहाँ से चलेगा सिंध से और पंजाब में जाके वो स्टॉप होगा। इसी तरह टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में है, वो सिग्नल वहाँ से ओरिजिनेट होगा और सिंध में कनेक्ट होगा। तो सर्विस कुछ सर्विस ऐसी हैं जो एक टर्मिनेशन और कमिसमेंट से जुड़ के बनती हैं, और कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं कि वो एट वंस दे दी जाती हैं, यानी फौरन ही आप दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ तो ये मैं फौरन ही आपको डिस्पोज ऑफ कर रहा हूँ से ना, तो लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में इस तरह होता है कि एक टाइम ऑफ लेंथ भी होती है उसकी, कि स्टार्ट एक जगह ओरिजिन होती है फिर टर्मिनेट होती है, तो आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अब बात कर रहे हैं चार्ज की, कि टैक्सेबल सर्विसेज यानी जिस पे टैक्स लगाना है वो सेकंड शेड्यूल में लिखी हुई है। दूसरी बात, टैक्सेबल सर्विसेज लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल, ये बात हमने पहले भी कही और अभी दोबारा रिपीट हो रही है, विच इज प्रोवाइडेड बाय द नॉन रेजिडेंट टू द रेजिडेंट पर्सन, यानी नॉन रेजिडेंट पर्सन रेजिडेंट पर्सन को दे, यानी यूएस में बैठा हुआ सिंध वाले बंदे को दे, वो जो बंदा है जो रिसीव कर रहा है ये सर्विसेज वो एंड कंज्यूमर हो या ना हो, है ना, या मिड उसको एजेंट हो, है ना, तब
इन कोर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो वो भी टैक्सेबल सर्विस कहलाएगी। तो अब आप देखें कि एक सर्विसेज जो सर्विस प्रोवाइडर देता है सर्विस रिसिपिएंट को, जो मौजूद है सिन से दी जा रही है ना, और दूसरी सर्विस है जिसका ओरिजिन आउटसाइड पाकिस्तान से हो रहा है या आउटसाइड सिन से हो रहा है, तो दोनों चीजें आपकी टैक्सेबल होती है। वेर अ पर्सन हैज रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन सिन एंड अनदर आउटसाइड सिन, यानी एक ऐसा बंदा है जो उसके दो, एक पंजाब जैसे टेलीकम्युनिकेशन में होता है उसका पंजाब में भी ऑफिस है, सिंध में भी ऑफिस है। द रजिस्टर पर्सन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन सिंध एंड दैट आउटसाइड शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट लीगल पर्सन, यानी वो पंजाब में बैठा हुआ वो अलग लीगल पर्सन कहलाएगा फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग टैक्स, और सिंध में जो बंदा है वो अलग कहलाएगा, यानी सिंध से जो सर्विसेज देगा वो या रिसीव करेगा नॉन रेजिडेंट से, तो पंजाब और सिंध वाले को अलग अलग लीगल पर्सन, लीगली टेक्निकली वो एक लीगल पर्सन है लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज वो सेपरेट लीगल पर्सन होंगे। तो अभी हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया वो टैक्सेबल सर्विसेज का था, सेल टैक्स और सर्विसेज का। तो अब मैं आपको एक झलक दिखा दूं कि सेकंड शेड्यूल होता कैसा है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। जी तो ये जो आपने कहा है कि सिंध में जो सर्विसेज हैं फॉर एग्जांपल इनको, जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब में कोई सर्विस वो रिसीव करता है या फॉरेन में, मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट बस आपके प्रोविंस से बाहर निकल गया है तो वो फॉरेन है आपके लिए, राइट? और सेकेंडली जो फिर सिंध में रिसीव करेगा सर्विसेज वो ही इज रिस्पॉन्सिबल टू डिपॉजिट द टैक्स, राइट? जी एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये हमारी अभी जो अगली स्लाइड है ना वो यही एक्सप्लेन कर रही है। जी, अब लेकिन यहाँ पे जो है पंजाब फॉर एग्जांपल, तो अब पंजाब में भी है ना कि फॉर एग्जांपल पंजाब वाला सर्विस दे रहा है, ठीक है, और ये रिसीव कर रहा है, तो इनपुट जो है वो सिंध वाले को मिलेगा बिकॉज वो चार्ज करेगा अपनी सर्विस के ऊपर पंजाब वाला। जी बिल्कुल, मिलना चाहिए। तो वो जो टैक्स है उसके ऊपर वो पंजाब वाला डिपॉजिट कराएगा, उसका वो कराएगा वो टैक्स डिपॉजिट। जी जी, देखें जब हम पंजाब के टैक्स की बात करेंगे ना, तो अगर पंजाब में कोई बंदा है सिंध का जो पंजाब से सर्विसेज लेता है, फॉर एग्जाम्पल कोई इंस्पेक्शन है या सर्टिफिकेशन एक्सपोर्टर है या कोई क्वालिटी चेक की सर्विसेज लेता है, तो वो इनवाइस जो आएगी वो पंजाब सेल टैक्स की आएगी, उस पर लिखा होगा पंजाब सेल टैक्स ऑन सर्विसेज, उस पर रेट लिखा होगा 16% या 15%। तो जब सिंध वाले के पास वो इन्वाइस आएगी तो वो जब अपनी रिटर्न भर रहा होगा तो वहाँ पे क्लेम कर सकता है, वो बिल्कुल कर सकता है। ओके सर, थैंक यू। तो फिर सर ये फिर फॉरेन वाला ये कॉन्सेप्ट क्यों लिया? फॉर एग्जांपल फॉरेन से अगर हम लेते हैं तब तो उधर कोई भी ये नहीं कर सकता ना, हमने ही फॉरेन वाले का टैक्स भी, मतलब जैसे अभी आपने ये एग्जांपल समझाई है कि उधर से इनवॉइस आएगी और उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट हुआ होगा हमारा, और वो हम अपना जब रिटर्न सबमिट कराएंगे तो वो हम क्लेम कर लेंगे। जी जी, सेम टॉकिंग अबाउट के ये अभी सिंध की बात हो रही है, अगर आप फॉरेन की बात करें तो फॉरेन तो फिर बाहर का मुल्क है ना, वहां पे वो हमें कैसे सर्विसेज वाला जो पंजाब वाले, फिर वो सिंध काटेगा उनकी, राइट? अच्छा, अभी जी जी, अब देखें अभी हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया ना वो टैक्सेबल सर्विसेज का किया है कि टैक्सेबल सर्विसेज क्या होंगी, है ना? तो अभी जो ये हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है वो टैक्सेबल सर्विसेज सेकंड शेड्यूल में लिखी हुई है, और अगर वो सेकंड शेड्यूल में लिखी हुई सर्विसेज जो है अगर सिंध से कोई बंदा देता है तो वो टैक्सेबल सर्विस कहलाएगी, और अगर वो सिंध वाला इसको लेता है ना तो वो टैक्सेबल सर्विस कहलाएगी। अभी हमने पेमेंट की बात नहीं की, तो वो अगली स्लाइड है, वो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि पहले डिस्कस कर लेते हैं फिर देखते हैं कि आपका ये सवाल आंसर हुआ है कि नहीं हुआ। देखें अभी हमने बात की सेक्शन 3 में टैक्सेबल सर्विसेज में पहला जो उसका पोर्शन था उसमें लिखा हुआ था कि सेकंड शेड्यूल में अगर कुछ सर्विसेज जो है सिंध वाला बंदा सिंध के ऑफिस से या उसके प्लेस ऑफ बिजनेस से देता है तो टैक्सेबल होगी सेकंड शेड्यूल में। तो अब लाइबिलिटी की जो बात आती है ना, इट इज टैक्स पे कौन करेगा, तो वो सेक्शन बताता है पर्सन लाइबल टू पे, सेक्शन आपका ये हमारा सेक्शन 9 बताता है कि हु इज द रिस्पॉन्सिबल इन दिस केस, कि जो बंदा सिंध में बैठा हुआ है और सिंध से सर्विसेज देता है किसी को, तो कौन उस वक्त कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो ये लिखा हुआ है सेक्शन 9 के अंदर
मेरा सर्विसेज इज टैक्सेबल बाय वर्चू ऑफ 3(1) जो पहला पोर्शन था, द लायबिलिटी टू पे द टैक्स शैल बी ऑन द पर्सन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। तो जो बंदा सर्विस देगा, यानी सिन का जो बंदा ऑफिस से सर्विस, ऑफिस के या अपने ऑफिस से प्लेस ऑफ बिजनेस से सर्विसेज दे रहा है, वो उसका जो है ना उसको टैक्स जमा कराना है अथॉरिटी को। इसी तरह जो दूसरा केस था, वेर अ पर्सन इज टैक्सेबल, वेर अ सर्विस इज टैक्सेबल बाय वर्च्यू ऑफ 3(2), यानी नॉन रेजिडेंट यानी यूएस में बैठा हुआ बंदा एक सर्विस दे रहा है सिन में बैठे हुए बंदे को, तो उस वक्त जो चार्ज है, लायबिलिटी जो पे करनी है, लायबिलिटी टू पे द टैक्स शैल बी ऑन द पर्सन रिसीविंग द सर्विसेज, यानी रिसीपिएंट पे आ जाती है। इसको टेक्निकली हम कहते हैं रिवर्स चार्ज। जब रिसीपिएंट पे कोई चार्ज क्रिएट हो जाए, आमतौर पे वैट के अंदर क्या होता है, वैल्यूएशन टैक्स जो सेल टैक्स है, ये सर्विस प्रोवाइडर है या सप्लायर है वो गवर्नमेंट का एजेंट होता है, वो सर्विस रिसीपिएंट से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा कराता है। तो आम हालात में इसी तरह होता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस के अंदर सर्विस रिसीपिएंट पे जिम्मेदारी डाल दी जाती है। जैसे आपने सही हाईलाइट किया, एक बंदा नॉन रेजिडेंट है, जब नॉन रेजिडेंट है तो वो कैसे गवर्नमेंट उसको कैसे नेट में लाएगी, कैसे टैक्स कलेक्ट करेगी, तो रिसीपिएंट पे जिम्मेदारी डाल दी है सेक्शन 9 में कि लायबिलिटी टू पे द टैक्स शैल बी ऑन द रिसीविंग द पर्सन। अच्छा, बाय द ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई द सर्विस और क्लास ऑफ सर्विस व्हिच द लायबिलिटी टू पे टैक्स शैल बी ऑन द पर्सन प्रोवाइडिंग, यानी इसके अलावा भी, यानी गवर्नमेंट के पास सेक्शन 9 में पावर है बोर्ड के, वो स्पेसिफाई कर सकता है इन दोनों के अलावा भी किसी और बंदे को भी, यानी लायबिलिटी सर्विस प्रोवाइडर के अलावा और सर्विस रिसिपिएंट के अलावा भी चाहे तो किसी और को भी जिम्मेदार कर सकता है। आई होप आई आंसर द क्वेश्चन। ओके सर। अच्छा, यही सिमिलर प्रोविजन हम जो है ना सेक्शन 11 पंजाब में भी मौजूद है। अब देखिए थोड़ा सा 19-20 आपको मिलेगा है ना, लेकिन टेक्निकली जो हमने डिस्कस किया ना, एक रिवर्स चार्ज होता है जो रिसीपिएंट पे लगता है, और रिवर्स चार्ज सिर्फ प्रोविंशियल लॉ में नहीं होता, रिवर्स चार्ज जो होता है वो फेडरल सेल टैक्स लॉ के अंदर भी है। आपने अगर पढ़ा हो इम्पोर्टर, जब इम्पोर्टर इम्पोर्ट करता है तो उसको टैक्स बायर को पे करना पड़ता है ना, आम हालात में तो सप्लायर को पे करना पड़ता है, सप्लायर यानी लोकल सप्लायर पे सप्लायर चार्ज करता है तो बायर पे करता है ना, और गवर्नमेंट में कौन जमा करा रहा होता है, सप्लायर उसे कलेक्ट करके जमा करा रहा होता है। लेकिन इम्पोर्ट के केस में क्या हो रहा होता है, जो जिसने इम्पोर्ट किया है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में डायरेक्ट जमा, तो रिवर्स चार्ज की एक एग्जाम्पल है। इसी तरह प्रोविंशियल लॉ में भी एक रिवर्स चार्ज की एग्जाम्पल है। अच्छा, अब बात करते हैं स्कोप ऑफ टैक्स सेक्शन 8। अच्छा, अब बात हो रही है, यानी पहले तो बात ये हुई कि हमने जो बात शुरू की जब प्रोविंशियल लॉ पढ़ा तो बात की कि सर्विस क्या होती है, तो सर्विस जो गुड्स नहीं होती वो सर्विस होती है, फर्स्ट शेड्यूल में जो लिस्ट होती है उसे सर्विस कहा जाता है, लेकिन उसकी लिटरली मीनिंग वहां पे नहीं लिखा हुआ है, यानी वहां पे एक तरह से ना ऑब्जेक्टिवली तो लिखा हुआ है कि फलां सर्विस सर्विस है, लेकिन सब्जेक्टिवली के साथ डिफाइन नहीं किया गया उसको, उसको लिटरली मीनिंग नहीं दिए गए। तो बहुत सारे केसेस कोर्ट में गए जब इस तरह की डेफिनेशन थी, बड़ी स्ट्रिक्ट डेफिनेशन थी कि जो गुड्स नहीं होता वो सर्विस होता है, और तो जब बहुत सारे जो कोर्ट में केसेस पहुंचे, तो जब हसीन हाई कोर्ट में केस पहुंचा इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट के ऊपर सेल्टिक्स सर्विस चार्ज करने का, तो उन्होंने जजमेंट के अंदर सर्विस को डिफाइन किया, क्योंकि वो जो सेक्शन में डेफिनेशन दी हुई थी सिन सेल्टिक्स के लॉ में डेफिनेशन दी हुई थी वो इतनी सफिशिएंट नहीं थी कि वो मसले को हल कर सके। तो हमने सर्विसेज को पढ़ा, फिर हमने ये देखा कि टैक्सेबल सर्विसेज क्या होती हैं। तो हमने देखा कि टैक्सेबल सर्विसेज वो होती हैं जो सेकेंड शेड्यूल में लिख दी जाएं, सही है। तो मैं बात कर रहा था कि सेकंड शेड्यूल को हम थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आप मेरे साथ रहें। आप सबके सामने एक स्क्रीन चेंज हो गई है जी तारिक सर जी। अब देखिए आप जब भी कोई भी लॉ का सेक्शन सेकंड शेड्यूल खोलेंगे तो वहां पे आपको एक टैरिफ हेडिंग नजर आएगी। टैरिफ हेडिंग
एक एच एस कोड कहलाता है, इसको यूनिवर्सली इसको कहते हैं एच एस कोड, हार्मोनाइज सिस्टम होता है किसी भी चीज की आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो गुड्स के लिए भी, यानी हर इंसान को एक CNIC नंबर दिया जाता है, इसी तरह हर गुड्स को और हर सर्विस को भी कोड दिया गया है। क्यों दिया गया है? कि जो इंटरनेशनल ट्रेड हो तो आसानी से हो सके। तो टैरिफ हेडिंग्स ही है, जिसे हम PCT हेडिंग्स भी कहते हैं, टैरिफ हेडिंग्स भी कहते हैं, HS कोड्स होते हैं, और डिस्क्रिप्शंस दी हुई है यहाँ पे, और सामने उसके रेट्स दिए हुए हैं। अब आपकी आसानी के लिए यहाँ पे हमने सेकंड शेड्यूल में जब जाएंगे आप, तो सेकंड शेड्यूल में जो रेट्स हैं वो आपको स्टैंडर्ड रेट्स मिलेंगे, वहाँ पे रिड्यूस रेट नहीं मिलेंगे। तो लेकिन यहाँ पे हमने सारा कंपाइल कर लिया है, सिंसिल्टेस के सेकंड शेड्यूल को कंपाइल कर लिया है, जो एप्लीकेबल रेट है वो लिखे हुए, और जहाँ जहाँ एग्जेम्पशन है वहाँ पे हमने ई लिख दिया है। अब एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज है 19.5% पे है, सर्विसेज प्रोवाइडेड और रेंडेड बाय होटल्स एंड मोटल्स गेस्ट हाउस 13% पे है, सर्विसेज प्रोवाइडेड और रेंडेड बाय द रेस्टोरेंट्स वो 13% पे है, उस पर कुछ एग्जेम्पशंस भी मौजूद हैं। अब एग्जेम्पशंस के लिए आपको नोटिफिकेशन को रेफर करना पड़ेगा। इसी तरह मैरिज हॉल्स अगर कोई सर्विस देते हैं, लॉन्स कोई सर्विसेज देते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन में देखना पड़ेगा वहाँ पे क्या कंडीशंस मौजूद हैं। अगर हम इतनी डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे तो शायद बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने नोटिफिकेशन को यहाँ पर रेफर नहीं किया। लेकिन आप पंजाब का सेकेंड शेड्यूल अगर देखते हैं तो वहाँ पर बड़ी आसानी है, वहाँ पर नोटिफिकेशन का सिस्टम नहीं है, बल्कि वहाँ पे सेकेंड शेड्यूल के अंदर ही चीज़ों को एक्सक्लूड कर दिया गया है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देता हूँ। अब ये देखिए, ये सेकंड शेड्यूल है हमारा, अब यहाँ पे सीएल नंबर्स दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज दी हुई हैं, एचएस कोड दिए हुए हैं, और रेट्स दिए हुए हैं। अब रेट्स जो हैं, अब पंजाब ने बड़ी आसानी की हुई है, पंजाब में आसानी की हुई है बड़ी, कि उन्होंने क्या किया है कि एक्सक्लूजन्स को भी यहीं पे डाल दिया है और रिड्यूस रेट को भी यहीं पे डाल दिया है। लेकिन सिंध में क्या है, आपको नोटिफिकेशन रेफर करना पड़ता है, रिड्यूस रेट के लिए नोटिफिकेशन रेफर करो, एग्जेम्पशन के लिए नोटिफिकेशन को रेफर करो। पंजाब में इस तरह नहीं है, तो यहाँ पे इन्होंने इस तरह सेकंड शेड्यूल दिया हुआ है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सक्लूड भी की हुई हैं। तो मैं अभी आपको जैसे देखें, अब एग्जाम्पल के तौर पर एडवर्टीजमेंट और टेलीविजन एंड रेडियो और एंटरटेनमेंट services showcasing of any product or services in video programs, television programs or motion pictures or services album excluding advertisement, yani pehle text kar diya aur fir usko exclude kar diya ki ye cheeze jo hongi ye subject to tax nahi hongi, ye aam alfaz mein hum ise exemption kehte hain, lekin isko technically hum exemption nahi kahenge, exclusions kahenge, exemptions ka ek notification section hota hai, uske tahat hi exemption di jati hai, to usko इन्होंने टैक्स से बाहर कर दिया, यानी सेकंड शेड्यूल से बाहर कर दिया, यानी ये अब नॉन टैक्सेबल कहलाएंगी, अब ये नॉन टैक्सेबल कहलाएंगी। तो अब तीन चीज़ों को आप मद्देनजर रखें कि एक होती है सर्विस जो फर्स्ट शेड्यूल में होती है, सेकंड शेड्यूल में जो होती है उसे हम कहते हैं टैक्सेबल सर्विसेज। अच्छा, जो एक्ट से बाहर हो जाए, यानी जैसे ये एक्सक्लूड हो गई हैं, जब ये एक्सक्लूड हो जाए तो उसे नॉन टैक्सेबल कहते हैं, सही है, एग्जाम नहीं कहेंगे, नॉन टैक्सेबल कहेंगे। और अगर गवर्नमेंट कोई लॉ के अंदर एग्जेम्पशन का पावर होता है, अगर एग्जेम्प्ट कर दे, है ना, तो उसे एग्जेम्प्ट सर्विसेज कहा जाता है। तो इस तरह आपने पंजाब का देखा, इसी तरह आप सिंध का देखें। मैं अभी ईच एंड एवरी सर्विसेज आपसे डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपकी आसानी रहे। तो हम बात कर रहे थे सिंध की। सिंध में हमने देखा कि एचएस कोड्स हैं, सर्विसेज हैं, उसके सामने रेट्स लिखे हुए हैं, और ई का मतलब एग्जेम्पशंस हैं,
और मैंने एग्जेम्पशन से लिखा था कि आपको SRO रेफर करना पड़ेगा। इसी तरह देखें फिक्स रेट्स भी हैं, जैसे फ्रेट फॉरवर्डर सर्विसेज हैं तो 500 रुपीज़ पर बिल ऑफ लेडिंग। इसी तरह ट्रेवल एजेंट्स हैं तो आप सेकंड शेड्यूल में जाके देखेंगे कि सिंध में तो वहाँ पे 13% लिखा हुआ होगा, लेकिन बेसिकली इसका इफेक्टिव रेट जो है वो 5% है। इसी तरह टूर ऑपरेटर हैं, रिक्रूटिंग एजेंट्स हैं, तो अब रिक्रूटिंग एजेंट के लिए दो रेट्स दिए हुए हैं कि सम केसेस में 13% लगेगा, कुछ केसेस में 5% लगेगा। इसी तरह कार और ऑटोमोबाइल डीलर्स हैं, उनका 10% है। इसी तरह रेंटिंग और मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि इसको सिंध हाई कोर्ट ने अल्ट्रा वायरस करार दिया है अगेंस्ट द वो प्रोविंस, इसको टैक्स नहीं। जी तारिक साहब, स्टूडेंट्स जो है वो नमाज के लिए कह रहे थे अगर हम 15 मिनट की ओके ब्रेक कर लें, बिल्कुल सर, इज नमाज इट के ब्रेक ले लें। पॉसिबल? यस यस सर प्लीज, मैं फिर नमाज के बाद स्टार्ट जी करूंगा। ठीक है, 15 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं सर। ओके सर, ओके सर, थैंक यू।